और मनीष राणा पूछ रहे हैं अपार इंडस्ट्री के बारे में। तो ये पूछ रहे हैं 635 का भाव है, 100 शेयर इन्होंने ले रखा है। पूछ रहे हैं प्रॉफिट बुक कर लें या इंतज़ार करें, लंबी अवधि के लिए रख दें इसको। अपार इंडस्ट्रीज आपने 635 पे लिया है जी और सर अभी 4,700 चल रहा है, सबसे तो नहीं, बहुत पहले तो बहुत बधाई। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। क्योंकि जिस लेवल से इसका वैल्यूएशन चल रहा था, कंपनी तो ठीक थी, लेकिन जिस लेवल से वैल्यूएशन इसका चल रहा था, मैं तो हिम्मत बांध के भी इसमें एंटर कर नहीं पाता था। आपका एक बार देखिएगा, ये इन सब का जो ट्रेंड है ना, मेन ट्रेंड जब फिनिश माना जाता है, तब जब तक आपका जो मीडियम टर्म का ट्रेंड है वो खत्म नहीं हो जाए, और उसके लिए 50 DMA का ही सहारा लगता है। वो तो बहुत लेकिन पीछे आ जाएगा फिर। हाँ, मैं दो तीन चीजें बता देता हूँ अपने प्रेफरेंस के हिसाब से। आप अपना प्रॉफिट कंजर्व करना चाहें तो कीजिए। देखिए, प्रॉफिट बुकिंग जो होती है ना, टेक्निक के हिसाब से कोई जरूरी नहीं है कि एक बारी में ही एक लेवल टूटने पर सारी चीजों को बुक कर दिया जाए। थोड़ा थोड़ा अगर निकालना चाहें, वो भी एक अच्छा तरीका होता है। थोड़ा बुक कर लेना चाहिए और थोड़ा उसमें बना रहना चाहिए, ये भी एक अच्छा तरीका। तो मेरा ऐसा अंदाजा है कि आज का जो लो है, इसके नीचे अगर बंद है तो मेरे ख्याल से फिर इसमें बुकिंग और ज्यादा होनी चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग। अब मुझे ये आइडिया नहीं है कि वो बुकिंग 4,300 पे फिनिश हो जाएगी या वो बुकिंग 4,000 के नीचे लेके जाएगा, इसका अंदाजा मेरे पास नहीं है। लेकिन इतना जरूर समझ में आता है कि 4,700 के नीचे क्लोज होने पे इसमें इमीडिएट टर्म का प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाए। तो उसके हिसाब से अब आपको, मान लीजिए, अपने पूरे 100 रुपए का 25 रुपए का बुक करके 75 रुपया रखना है, वो भी एक अच्छा तरीका हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो ट्रेंड खराब होगा या खत्म होगा, जब तक 50 DMA नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा। एक दूसरा बीच में और रास्ता है देखने का, वो है 4,300। 4,300 के नीचे जो मेरा व्यू होगा वो ये होगा कि इसका मोमेंटम खत्म हो जाएगा और ये सेल ऑन राइज स्टॉक बनेगा। तो ये हर चीज आपको बता के रख रहा हूँ, आप अकॉर्डिंगली फैसला ले सकते हैं अपने एंड पे। पहला 4,700, जिसके नीचे में आपको थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट ले लेना चाहिए मेरे अंदाजे से, और 4,300 के नीचे ये स्टॉक कम से कम शॉर्ट टर्म में तो सेल ऑन राइज बन जाएगा। और जब तक इसका 3,600 के नीचे क्लोज नहीं होता है, इसका जो ट्रेंड है वो खत्म नहीं हो, तो इन तीन लेवल को आप अपने हिसाब से समझिए और उसके हिसाब से अपने पोजीशंस को आप विड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि 3,600 यानी 3,600 के पहले कंप्लीट विड्रॉल बहुत सही नहीं रहेगा। जी, लेकिन साथ में अब चूंकि इनका जो खरीद भाव है वो इतना नीचे है, इतने कंफर्टेबल लेवल्स पे और इतने कंफर्टेबल मुनाफे पे बैठे हुए हैं, तो वैसे में जो एक आपने बताया कि पहला लेवल जो है 4,700 का, ये तो शायद उनके लिए होगा जो बहुत ही शॉर्ट टर्म के हिसाब से लेकर के चल रहे हैं, या जिनके लिए रिस्क मैनेज करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन की ज़रूरत है, या जिनके पास कहें कि गुंजाइश नहीं है, ये शायद उनके लिए होगा। क्या कम से कम 20 डे मूविंग एवरेज ये छूट जाए, जो अभी 41-65 के आसपास देख रहा है, शायद यही अगले कुछ दिन में 4,300 तक आ जाएगा। तो मतलब इनके हिसाब से तो मतलब अगर एक पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी करनी है तो कम से कम 20 डे मूविंग एवरेज छूटे तब करें। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो तो उनको इंडिविजुअल फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि जो क्लोज 4,300 के नीचे, 4,700 के नीचे हुआ, तो उसके बाद कोई जरूरी नहीं है कि 4,300 का सपोर्ट रह जाएगा, कोई जरूरी नहीं। क्योंकि इसकी आप राइस देख लीजिए, और इसकी जो राइस है ये बहुत ही ज्यादा है और स्टॉक काफी ओवरहीटेड है। तो इस सिचुएशन में होता ही है कि फर्स्ट जो पॉइंट होता है उस जगह से ही अपने को कॉशन लेना पड़ता है, और वो मेरे पास 4,700 है। लेकिन 4,700 से लेके 3,600 तक कहीं ये सारे जगह इनके सपोर्ट इमर्ज हो सकते हैं, कहीं पे भी कोई भी DMA पे सपोर्ट इमर्ज हो जाए। इसलिए पार्शियल विड्रॉल में क्या होता है कि एक-एक लेवल पे पार्शियल विड्रॉल किया तो अफसोस भी बहुत नहीं रहता है। और मान लीजिए कि अगर 20 DMA, आपको 20 DMA पसंद है, उससे लीजिए। हर किसी का ट्रेड का अपना तरीका है। मेरे हिसाब से ट्रेंड आइडेंटिफाई करना बेहतर है,
और ट्रेंड 3600 के पहले कभी इसका खत्म नहीं होता है अगर आपको लॉन्ग टर्म पोजीशंस पे एग्जिट लेना है तो जी। तो बाकी 20 डीएमए पे निकल के भी कोई फायदा नहीं है बिकॉज़ आपको फिर से 3637 पे आ ही जाएगा, हो सकता है 38 से भी आ जाए, 4300 के नीचे फिर से ज्यादा आपके पास 10% का रास्ता है, लेकिन 4700 से वो रास्ता 15% के आसपास का जी। तो सबसे जो दो बड़े लेवल दिख रहे हैं वो है 4700 का और उसके बाद फिर 3600 का। तो अगर आपको पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से सोचना है तो जैसा सुमेश बता रहे हैं, एक तो आप 4700 का ही ध्यान दे के रख लीजिए और फिर बाकी जो बचा के रखेंगे उसके लिए 3600। अगर वो भी कहीं निकलने लगे तो वो जो बचा हुआ हिस्सा रहेगा आपके शेयरों का, आप उससे भी बहुत बढ़िया शानदार मुनाफे के साथ आप निकल जाएंगे। उस समय भी आप लगभग 6 गुने मुनाफे पे बैठे होंगे, तो अच्छी बात है, बधाई। आपने बिल्कुल ट्रेंड शुरू होने से समय आप देखिए कैसे यहाँ पे जो तेजी शुरू हुई है वहीं से पकड़ा है इन्होंने, तो इसमें इनका स्किल और इनकी किस्मत दोनों ने ज़रूर योगदान किया होगा। सिर्फ एक के बल पर तो ऐसी सफलता नहीं मिलती है। बात तो सही है, मेन है कि होल्ड करने का पेशेंस होना चाहिए क्योंकि नॉर्मली सबसे ज्यादा जो होल्ड में किया जाता है पोजीशन वो होता है लॉस में। जी बिल्कुल, फायदे में होल्ड करना जो है ये भी अपने आप में एक स्किल है और इसीलिए मैंने कहा कि स्किल और जो अपनी किस्मत है दोनों का अच्छा योगदान इसमें नजर आ रहा है।